दोस्तों रेगुलर प्लान म्यूचुअल फंड के रिटर्न डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड से हमेशा 1% के आसपास कम होते हैं। इसका कारण स्पष्ट है कि क्योंकि अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं तो आप डायरेक्ट असेट मैनेजमेंट कंपनी से परचेज नहीं करके किसी ब्रोकर से या एजेंट से परचेज करते हैं, जबकि डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड आप हमेशा डायरेक्ट असेट मैनेजमेंट कंपनी से परचेज करते हैं। तो रेगुलर प्लान म्यूचुअल फंड में जो 1% रिटर्न कम मिलते हैं वो 1% कमीशन जाता है आपके ब्रोकर को या आपके एजेंट को, उसी की वजह से आपके 1% रिटर्न कम आते हैं। अब डिफरेंस तो आपने समझ लिया कि रेगुलर प्लान म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है, तो 1% रिटर्न्स का डिफरेंस है। तो क्यों हम 1% ज़्यादा देर रेगुलर प्लान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट रह करके, तो बेटर टाइम सेलेक्ट करें कि हम रेगुलर प्लान म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड में स्विच कर लें, तो इसके लिए कौन सा टाइम सबसे बेस्ट होगा जब हमारे को स्विचिंग कर लेनी चाहिए, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले। फ्रेंड्स आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जब आप म्यूचुअल फंड परचेज कर लेते हैं तो आपको एक एक्सपेंस रेशियो पे करना होता है, जो कि कंपनी को आपकी असेट मैनेजमेंट कंपनी को फीस देनी होती है। साथ ही जब आप रेगुलर म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं तो किसी ब्रोकर से या एजेंट से परचेज करते हैं तो उसका 1% के आसपास कमीशन भी जाता है, जो कि सीधा सीधा आपके रिटर्न में से डिडक्ट किया जाता है। वहीं डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं तो वहां पर सिर्फ आपको एक्सपेंस रेशियो पे करना होता है जो असेट मैनेजमेंट कंपनी को जाता है, वहां पर आपको कोई ब्रोकर की फीस कोई एजेंट की फीस पे नहीं करनी होती। जितने रिटर्न्स आते हैं एक्सपेंस रेशियो काट करके डायरेक्ट आपके क्रेडिट किए जाते हैं। अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि रेगुलर प्लान म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है और गलती से रेगुलर प्लान म्यूचुअल फंड परचेज कर लेते हैं और अब वो लोग चाहते हैं कि रेगुलर प्लान से स्विच करें डायरेक्ट प्लान में, तो वो कैसे किया जाए। दोस्तों मैं एक बात बता देता हूं आपको, जब भी आप किसी एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम में स्विच करते हैं या सेम म्यूचुअल फंड स्कीम में भी स्विच करते हैं, चाहे सेम म्यूचुअल फंड का रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच कर रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग स्कीम जिसमें आप इन्वेस्टेड है उसमें से आप विड्रॉ होंगे और नई स्कीम में आपका फ्रेश इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और जब भी आपका फ्रेश इन्वेस्टमेंट माना जाएगा और पुरानी स्कीम से जिसमें आप पहले से इन्वेस्टेड थे उसमें से बाहर निकलेंगे तो आपके ऊपर जो टैक्सेस एप्लीकेबल है एज पर रूल्स, वो टैक्सेस भी आपके देने होंगे। तो आपको विड्रॉ करना है पुरानी स्कीम में से और नई स्कीम में इन्वेस्ट करना है, तो दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। दोस्तों जब भी पुरानी स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे थे रेगुलर प्लान वाले में और उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, चाहे आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे थे या लमसम के थ्रू इन्वेस्ट कर रखा था, आपको एक बड़ा अमाउंट मिलने वाला है। तो जो बड़ा अमाउंट आपको मिलने वाला है वो आपको विड्रॉ करना है जब मार्केट पीक पे हो, यानी आपके म्यूचुअल फंड्स के नेट असेट वैल्यू सबसे ज्यादा हो तब आपको विड्रॉ करना है, क्योंकि हायर प्रॉफिट का टाइम जब होता है जब मार्केट पीक पे होता है उस टाइम पे आपको उस म्यूचुअल फंड से बाहर निकलना है। अब आपने विड्रॉ तो कर लिया वहां से म्यूचुअल फंड से, अब आपको नए स्कीम के अंदर भी आप दो तरह से इन्वेस्ट करेंगे, पहला SIP के थ्रू और दूसरा लमसम के थ्रू। अगर जितना पैसा आपने एक साथ विड्रॉ किया है उस सारे पैसे को आप एक साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो तो जाएगा आपका लमसम के थ्रू, और फिर हर महीने आप SIP कर रहे थे पुरानी स्कीम में और इसमें भी आप SIP करना चाहते हैं नेक्स्ट, तो वो जाएगी आपकी मंथली SIP में। तो जो फर्स्ट थिंग है यानी आपको जो इकट्ठा पैसा मिला है उसको आपको इन्वेस्ट करना है नई स्कीम में, तो आपको एक सिचुएशन देखनी होगी मार्केट की कि मार्केट कहाँ वेरी कर रहा है, यानी जैसे ही वहां से निकले तुरंत इधर इन्वेस्ट नहीं कर देना, आपको थोड़ा सा वेट करना है। जब मार्केट काफी सारा करेक्ट हो जाए, जब मार्केट बहुत नीचे चला जाए तब आपको इन्वेस्ट करना है, वो भी इंस्टॉलमेंट में। यानी आपको 50,000 रुपये मिला है तो 50,000 रुपया एक साथ इकट्ठा इन्वेस्ट नहीं करके उसको 4 से 5 इंस्टॉलमेंट में आप इन्वेस्ट करें, और जब मार्केट में काफी सारा करेक्शन हो तब उसको इन्वेस्ट करें, इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करें। यानी जब पहली बार करेक्शन आए तब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इन्वेस्ट कर दे, फिर दूसरी बार फिर करेक्शन आए तब फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट इन्वेस्ट कर दें, इस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करके आप इन्वेस्ट करें। साथ ही अगर आप SIP भी करना चाहते हैं अब नेक्स्ट फर्दर जो आपकी वहां पे कंटिन्यू जा रही थी, तो SIP आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उसको भी जब मार्केट में काफ़ी अच्छा करेक्शन हो, जब मार्केट काफ़ी नीचे गिर गया हो तब स्टार्ट करें।
जब एग्जिस्टिंग स्कीम से बाहर निकलेंगे तो वो आपका विड्रॉल माना जाएगा, और नई स्कीम में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। तो इन दो चीजों को आप अच्छे से समझ लें तो आपको म्यूचुअल फंड स्कीम स्विचिंग का सारा गेम समझ में आ जाएगा। जब भी स्विच करते हैं तब इन चीजों को अच्छे से ध्यान में रखें, चाहे सेम म्यूचुअल फंड्स के अंदर रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच कर रहे हो या दूसरे म्यूचुअल फंड में स्विच कर रहे हो। आप स्ट्रेटजी आपको यही फॉलो करनी है, जो इकट्ठा पैसा मिला है उसको नई स्कीम में आपको इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करना है, और SIP आप कभी भी कर सकते हैं या आप चाहे तो जब मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन हो तब स्टार्ट कर सकते हैं। SIP से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि हम लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करके चलते हैं, तो अल्टीमेट उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है SIP के ऊपर। दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।